हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फरहीन का किचन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कांडी, इसे कांडी गोश्त भी कहते हैं। ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार बनता है, तो फिर देर किस बात की, चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे आधा किलो बोनलेस चिकन, इसमें डाल देंगे एक चम्मच अदरक का पेस्ट, एक चम्मच लहसुन का पेस्ट, साथ में डाल देंगे एक चम्मच टिक्का मसाला और फिर इसमें डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच, थोड़ा सा फूड कलर डाल दें, ये ऑप्शनल है पर इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ में डाल देंगे एक चम्मच भर के नींबू का रस, नमक डाल देंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। चिकन को मिक्स कर लें अच्छे से, उसके बाद हमें इसे मैरिनेशन के लिए 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। फिर अब मैंने ले लिया था एक शिमला मिर्च, इस तरह से मोटी काट ली है, साथ में प्याज भी रफली ऐसे कट कर ली है, और ये स्टिक जिसमें हमें चिकन को सेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें शिमला मिर्च लगा लेंगे, साथ में चिकन का 1 क्यूब लगाएंगे, फिर लगा लेंगे इसमें अनियन और शिमला मिर्च लगा लें, फिर डाल देंगे चिकन को इसमें, ये इसी तरह हमें सेट करना है, शिमला मिर्च फिर प्याज लगा के फिर चिकन लगा देंगे और लास्ट में लगा देंगे एक अनियन को। स्टिक में चिकन और अनियन और शिमला मिर्च को आप अपने हिसाब से क्वांटिटी में रख सकते हैं। इस तरह से मैंने सारे चिकन को लगा लिया है, ये देखिए हमारे सारे स्टिक्स तैयार हैं। तो अब हम चलते हैं इसे तलने के लिए। तो सबसे पहले डाल देंगे 2 चम्मच तेल, तेल गर्म हो जाए तो इसमें हमें सारे स्टिक को डाल देना है। जब एक तरफ से तल जाएगा तो हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे। शुरुआत में हमें इसे हाई फ्लेम पे ही रखना है, उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 5 मिनट बाद देखिए ये अंदर तक गल जाएगा, फिर इसे हम पलट देंगे, ये पूरी तरह से पक चुका है तो निकाल लेंगे और सेम पैन में हम बाकी के जितनी भी स्टिक्स हैं उसे भी तल लेंगे, इसे भी पलट के फिर इसे लो फ्लेम पे करके ढक्कन बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए पका लेंगे। चिकन अंदर तक पूरी तरह से गल जाएगा। इसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये बहुत मज़ेदार बनता है। ये देखिए सारे चिकन हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देखने में भी बहुत फैंसी लगता है और खाने में तो उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसे सर्व करें, तो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।